हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, ऑप्टिक्स की लास्ट वीडियो में मैं पढ़ाया था आपको टू प्लेन मिरर, जब पैरेलली प्लेस्ड था उसमें इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम्स में बताया था, और उसमें लास्ट में फार्मूला बताया था कि जब टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा अगर होगा और इमेज फॉर्मेशन कितना होगा, तो उसमें मैं फार्मूला बताया रहा था, फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस बता रहा था। ठीक है, तो मैं उसी को कंटिन्यू आगे करता हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, और आज मैं प्लेन मिरर का क्लास को एंड अप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो से मैं स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विथ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो टू प्लेन मिरर है, ठीक है, मान लो टू प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये मान लो कि 72 डिग्री पे प्लेस्ड है। ओके, कितना पे प्लेस्ड है? 72 डिग्री पे प्लेस्ड है, और एक ऑब्जेक्ट है जो एंगल बाइसेक्टर पे है। मतलब ये अगर मान लो मिरर M1 है और ये M2 है, तो मिरर M2 से 36 डिग्री पे प्लेस्ड है। कितने पे? 36 डिग्री पे प्लेस्ड है। मीन्स ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू मिरर, मतलब दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है 72 डिग्री, उसके एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। तो मैं बताया था लास्ट में फार्मूला बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको यह करना है कि निकालना है n का वैल्यू निकालना है n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। आप जब डिवाइड करोगे तो 360 डिग्री बाई 72 डिग्री करोगे तो डिवाइड करने पे आता है कितना? 5। डिवाइड करने पे कितना आता है? 5। ये देखो n आ गया, दैट इज ऑड नंबर। तो मैं बताया था ऑड नंबर के केस में मैं दो फार्मूला बताया था। एक बोला था कि अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो n-1 होगा, यानी नंबर ऑफ इमेज जो होगा n-1 होगा, दैट इज कितना होगा? 4। नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 4, जब एंगल बाइसेक्टर पे है, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होता तो 5 होता। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ। मान लो सिमिलरली दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। कितने पे इंक्लाइंड है? मान लो कोई दो मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, और वो मान लो कि कितने पे इंक्लाइंड, मान लो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कितने पे? 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। तो क्या करूँगा? n इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री बाई, अच्छा ऑब्जेक्ट बोल रहा है कहीं पे भी, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, यहाँ से मान लो 20 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर पे तो नहीं है, तो 360 डिग्री बाई 120 डिग्री, इट कम्स टू बी 3। अब देखो ऑड नंबर आया और एंगल बाइसेक्टर पे भी नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इसलिए नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3, यानी n का जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। तो ये दो क्वेश्चंस था जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके का क्वेश्चंस पूछता है। अब मैं यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, मान लो एक क्वेश्चंस मैं देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बताना तुम लोग कि क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मैं बताऊँगी उस तरह का क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, आ जाओ भाई। वो क्वेश्चन देखो ये है कि मान लो आपके पास दो प्लेन मिरर है, और दोनों के बीच का जो एंगल है 110 डिग्री है। कितने पे है? 110 डिग्री पे है, और इस 110 डिग्री के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो फार्मूला से अगर तुम लोग करोगे तो क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 110, जीरो ने जीरो को मार दिया, अब तो सर कैंसिल ही नहीं हो रहा है, इट मीन्स डायरेक्ट इंटीजर नहीं आ रहा है, यानी हेयर n इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। n अगर इंटीजर नहीं आ रहा है, अगर n इंटीजर नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे सर? तो देखो, अगर ऐसे केस में, और अगर फार्मूला भी अगर आप नहीं याद रखना चाहते हो, तो जो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक को फॉलो करना है, जो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है बस,
और कुछ भी नहीं। चलो क्या करना है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है कहीं पे, ठीक है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है कहीं पे, तो मान लो इस ऑब्जेक्ट कहीं पे है, तो मान लो ये कितना डिग्री पे ऑब्जेक्ट है, तो मान लो इस एंगल को अगर मान लो तुम 110 है, तो इसको मान लो 10 डिग्री और इसको मान लो 100 डिग्री, ठीक है, कुछ ऐसा डिग्री मानना जो ऐड करने में ईजी हो। देखो कैसे, तो मान लो एक आ गया कितना 10 और एक आ गया 100, एक आ गया 10 और एक आ गया 100, ये मान लो मिरर M1 है, ओके, और मिरर ये M2 है, ठीक है। तो मिरर M1 पे जो एंगल बनेगा वो कितने पे बनने वाला है, फर्स्ट इमेज बनने वाला है 10 पे, और मिरर M2 पे जो सेकेंड मिरर इमेज बनने वाला है 100 पे, ठीक है। अब क्या करना, जो मिरर एंगल के मतलब कि मिरर के बीच का एंगल कितना है 110 डिग्री, इसलिए अब क्या करना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों में प्लस 100 ऐड कर दो, कितना प्लस 110, जो एंगल बिटवीन द मिरर है वो ऐड करो, तो इधर कितना हो जाएगा 120 और इधर कितना हो जाएगा बताओ, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो गया 120 और इधर कितना हो जाएगा 100 प्लस 110 डैट इज 210 डिग्री, जो कि 180 से ऊपर जा रहा है, यानी इसको हम आगे नहीं ले जाएंगे, यानी इसको हम लोग आगे नहीं ले जाएंगे, हम लोग को जाना है कहाँ तक, 180 डिग्री तक जाना है। इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बेसिकली 3 इमेज बनेंगे, तो और भी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ उसमें आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है, ओके। देखो मान लो ये मिरर है, ठीक है, सॉरी मिरर है, दोनों के बीच में मान लो एंगल 30 डिग्री है, ठीक, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, तो हम क्या बेसिकली कर रहे हैं कि एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो मान लो ये 10 डिग्री और ये 20 डिग्री, ओके। अब इमेज फॉर्म करवाना, तो इधर लिख दो 10, इधर 20, ये मिरर M1 में है और ये मिरर M2 में है, ठीक है। अब एंगल ऐड करते जाओ, प्लस 30 ऐड कर दो दोनों में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 50, फिर से ऐड कर दो, प्लस 30 ऐड करोगे तो क्या होगा 80 एंड दिस वन इज 70, सिमिलरली आगे भी ऐड करो तो क्या होने वाला है, प्लस 30 ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 डिग्री और यहाँ पे 110, फिर ऐड कर दो क्या होने वाला है बताओ, यहाँ से 30 ऐड करोगे तो 140 और यहाँ से 30 ऐड करोगे तो 130। अब आगे जाएगा क्या, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ था 130 और ये था 140, अगर इसमें और इसमें ऐड करूँ मैं, देखो प्लस 30 अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 160 और यहाँ हो जाएगा 170। अब आगे क्या, वहाँ पे 160 है, 170 नहीं 160। अब देखो यहाँ पे आगे जा सकते हैं क्या हम लोग, प्लस 30 अगर ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना होने वाला है 190 होने वाला है, और यहाँ पे देखो अगर 30 ऐड करें तो 200 होने वाला है, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टॉप when it is greater than 180 degree, मतलब जब 180 के ऊपर चला जाने वाला होगा तो वहाँ पे हम लोग रोक देंगे, यानी 180 के नीचे तक ही हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ओके भाई आ जाओ। और एक लास्ट चीज़ और चेंज करना है, जैसे हम लोग जब 90 डिग्री में हम लोग जब फार्मूला पढ़े थे वहाँ पे, तो जब 90 डिग्री वाला में सीखे थे तो बोले थे कि दो इमेज एक साथ कोइंसाइड किया था, इसमें भी हम लोग को चेक करना है क्या दो इमेज एक साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना कि लास्ट दो एंगल को सम करो, कितना हो जाएगा 170 डिग्री प्लस 160 डिग्री एंड एंगल बिटवीन द मिरर को भी ऐड कर दो, कितना होगा दैट इज हेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 360, यहाँ पे देखो 360 डिग्री आ गया, अगर 360 डिग्री एग्जैक्टली आ गया इसका मतलब है कि एक इमेज जो है यहाँ पे जो दोनों इमेज है वो कॉन्साइड कर रहा है। इसको मैं कॉन्सेप्ट को यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है, स्टार मार्कर पॉइंट में लिखवा देता हूँ कि अगर इफ़ एग्जैक्टली 360 डिग्री आता है तो दो इमेज मतलब कॉन्साइड कर रहे हैं उसको हम लोग एक ही इमेज को काउंट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
if the sum of last two angle, the sum of last two angle and angle between the mirror and angle between the mirror, if the sum of last two angle and angle between the mirror is, if the sum of last two angle and angle between the mirror is 360 degree, then if the sum of last two angle and the angle between the mirror is 360 degree, then last two image will coincide with each other. इसका मतलब अगर कोइंसाइड करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वी विल टेक ओनली वन इमेज. इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज लेंगे. अगर दो इमेज कोइंसाइड करेगा तो सिर्फ हम लोग कितने लेंगे, एक ही इमेज लेंगे. अगर मतलब ये दोनों इमेज कोइंसाइड कर रहा है तो किसी एक को हटा दो, तो चलो इसको हटा दिया, तो कौन सा इमेज लेंगे, एक ही इमेज लेंगे. यानी हम लोग का टोटल कितना इमेज बनने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड दिस वन इज 11. अब बोलोगे सर यहाँ पे ये दोनों क्यों नहीं ऐड किए, तो देखो 130 और 140 में यहाँ पे लिख दिया था. ठीक है, ओके. अब देखो यहाँ पे जो हम लोग निकाले, एक ट्रिक से निकाले, इस ट्रिक से निकाले. यहाँ पे एक चीज़ और ट्रिक में याद ध्यान रखना है, क्या, स्टॉप व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 180. मतलब अगर ऐड करते करते अगर आपको 180 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको स्टॉप कर देना है, नहीं जाना है. तो अब अगर इसको फार्मूला से अगर निकालते तो कितना आता, देखो n इज इक्वल टू क्या करते, 360 डिग्री बाई 30 डिग्री एंगल बिटवीन द मिरर, यही तो था. 0 ने 0 को मार दिया तो 12. यहाँ पे देखो इवन नंबर आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता था, नंबर ऑफ इमेज क्या आता था बताओ, नंबर ऑफ इमेज इज n माइनस 1, दैट इज 11. देखो वहाँ से भी 11 आया या नहीं आया. तो मतलब अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर फार्मूला नहीं याद है तो ये ट्रिक से आप लोग कर सकते हो. और ये ट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होगा जब आपको कोई जब आप 360 बाई ठीक ठाक करते हैं और एग्जैक्टली इंटीजर नहीं आता है और आप कन्फ्यूजन में रहते हो कि कितना इमेज बनेगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इस क्वेश्चंस को करवाता हूँ. ओके, आ जाओ. देखो मान लो दो मिरर है, ठीक है, दो मिरर है और एक दोनों जो है 50 डिग्री पर प्लेस्ड है. ऑब्जेक्ट जो है ये मान लो 10 डिग्री यहाँ मिरर M1 से बना रही है और M2 पे 40 डिग्री बना रही है. यहाँ से एक चीज़ और निकालना है आपको कि इमेज, नंबर ऑफ इमेज तो निकालना है, प्लस उसको सर्किल पे डिनोट भी करना है, जैसे मैं बताया था लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे मैं डिनोट करके भी दिखाऊंगा. ओके, आ जाओ. तो इस तरह कैसे करना है, तो क्या लिखेंगे, ये M1 और ये M2. आप देखो इस पे कितने पे बनेगा, 10 पे, और इस पे कितने पे बनेगा, 40 पे. आप सिमिलरली क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, प्लस 50, तो प्लस 50 यहाँ से 10 प्लस 60 डिग्री एंड यहाँ पे एक 50 आ जाएगा तो 90 आ जाएगा. ऐड करेंगे आगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ से अगर 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, और यहाँ से 50 ऐड करेंगे तो 110 डिग्री. अब देखो अगर ऐड करें आगे तो क्या करने वाले, अगर ऐड करेंगे आगे तो देखो यहाँ 50 अगर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ से क्या होगा, 160, और यहाँ से देखो 190. तो आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है आगे, हम लोग को नहीं बढ़ना है. ओके भाई, चलो इसमें नहीं जाने वाले हम लोग, ठीक है, अब हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं.
तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, ठीक है? तो बताओ हम लोग को नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। देखो अब यहाँ से, देखो यहाँ से कैसे बनेगा नंबर ऑफ इमेज, यानी कि यहाँ से जब जा रहे थे तो क्या हो गया, ये 190 हो गया, यानी हम लोग ये आगे प्रोसीजर में हम लोग नहीं बढ़ने वाले यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा आगे, ठीक। अब देखो क्या करना है हम लोग को, लास्ट टू एंगल को जोड़ो, तो 140 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 190 प्लस 10 इस कितना हो जाएगा 200, एंड 200 डेट इज 300 डिग्री। अब 300 डिग्री आया तो 360 तो एग्जैक्टली आया नहीं, अब अगर 360 एग्जैक्टली नहीं आया इसका मतलब इमेज कौन साइड नहीं कर रहा है, इसलिए टोटल इमेज कितना बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल इमेज कितना बनेगा 6। अब अगर इसको हम लोग सर्किल पे डिनोट करेंगे, अगर हम लोग अब इसको सर्किल पे डिनोट करेंगे तो देखो कैसे डिनोट करते हैं सर्कल पे, ठीक है? ये मान लो सेंटर है, ठीक है, मिरर ऐसा था। अब बताओ ये था कितना 10 डिग्री, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये 10 था और ये 40 था, ये मिरर M1 है, ये M2 है। तो यहाँ से देखो ये कितने पे बनेगा, पहला इमेज कितने पे बनेगा, डायरेक्ट इज I1 कितने पे बनेगा, तो डायरेक्ट इज 10 डिग्री पे बनेगा, ठीक है? अब इसमें कितने पे बनेगा, तो 40, मान लो यहाँ पे कितने पे बना, I2 बनेगा 40 पे। सिमिलरली अब ये I2 इस पे M1 पे, अब क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो कितना हो जाएगा I2 1, कितना एंगल हो जाएगा, ये कितना एंगल होगा बताओ, 40 एंड दिस इज 50, डैट इज 90 डिग्री पे बनेगा। ओके भाई, तो 90 डिग्री, थोड़ा सा ये इमेज को यहाँ पे दिखाता ज़्यादा अच्छा रहता, आ जाओ I2 डैट इज 90 डिग्री पे बनेगा। अब देखो ये I1 इसमें बनेगा, तो 50 प्लस 1 डैट इज 60 डिग्री, तो मान लो थोड़ा सा 60 इधर आ जाएगा, 60 डिग्री पे बनेगा, ठीक है? तो यहाँ से होगा क्या, I12 डैट इज 60 डिग्री। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग का एंगल बनाएंगे, तो इसी तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है सारे एंगल्स को, सारे डिग्रीज को। ओके, समझ में आया? तो ये था हमारा आज का क्लास, और इस पर भी हाँ और कुछ क्वेश्चंस करवाना है, प्लेन टू प्लेन मिरर जब प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर होगा तब। ओके, आ जाओ। देखो जब टू प्लेन मिरर पैरेलल रहेगा प्लेस, तो हम लोग का अगर कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है जो JEE एडवांस में पूछा है, मैं उसको क्वेश्चन को करवाना चाहूँगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन था ये टू प्लेन मिरर है, ठीक है, ऐसा प्लेस्ड किया हुआ है, टू प्लेन मिरर है और इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, और ये दे रखा है 0.2 मीटर, ठीक है? ये जो लेंथ दे रखा है वो 2√3 मीटर है, बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है इस तरीका से इंसिडेंट कर रही है 30 डिग्री पे, कितने पे, 30 डिग्री पे। ओके, तो 30 डिग्री अगर यहाँ पे इंसिडेंट करा तो रिफ्लेक्ट होगा, तो कितना रिफ्लेक्शन टोटल होगा इस लेंथ में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला है उसको लेकर कितना रिफ्लेक्शन होगा वो बताना है, ठीक है? तो देखो ये क्वेश्चन IIT JEE 2002 में पूछा है, तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, अगर यहाँ से इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, अब अगर इसको ज्वाइन करवा दें ऐसा होगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये लेंथ पता है अपने को, और ये लेंथ निकाल सकते हैं, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे आएगा, होगा कि नहीं होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे आएगा,
फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल कितना रिफ्लेक्शन होगा, तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूसरा रिफ्लेक्शन जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तीसरा इतना कर रहा है, दूसरा इतना कर रहा है और तीसरा इतना कर रहा है, चौथा इतना कर रहा है, पाँचवा इतना कर रहा है और छठा देखो इतना कर रहा है, तो कितना टोटल रिफ्लेक्शन होगा वो पूछ रहा है। हाँ ठीक है, चलो करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अगर ये 30 है और ये पहला लाइन है तो ये भी 30 होगा, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो देखो सब में 30 डिग्री बन रहा है एंगल, तो अगर मैं एक लेंथ निकाल लूँ तो सारे लेंथ इक्वल होंगे, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, और फिर अगर ये 30 है तो ये भी लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, ये सारे लेंथ इक्वल होने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं एक लेंथ निकाल लूँ तो उसके ही मल्टीपल्स में ही लेंथ होने वाले हैं। तो ये लेंथ निकालना है मेरे को, तो क्या करेंगे बताओ, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पी इज दिस, और ये लेंथ पता है, तो पी नहीं पता मेरे को तो एक्स लिख देते हैं, और ये पता है डेट इज 0.2। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और एक्स बाई 0.2, यानी एक्स इज इक्वल टू व्हाट 0.2/√3, एक्स मेरे को आ गया 0.2/√3, ये एक लेंथ आया, ठीक है। और ऐसे ऐसे अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा, तो इसी तरह का एक्स एक्स कितने एक्स होंगे ताकि टोटल लेंथ 2√3 आ जाए, यानी एन इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2√3, और एक्स का वैल्यू पता है कितना 0.2, यानी एन इंटू 0.2/√3 इज इक्वल टू 2√3, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3, वो साइड मल्टीप्लाई होगा डेट इज 3 और 0.2, 3 कितना हो जाएगा 3, तो 3/0.2 पॉइंट डेसिमल को अगर हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया डेट इज 30, यानी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30, इसको इंक्लूड करके कितना रिफ्लेक्शन होगा टोटल 30 रिफ्लेक्शन होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को चाहते हैं देखना कि कहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो आप इस क्वेश्चन को जाके देख सकते हो, JEE एडवांस 2002 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया बताओ, बोलो आया कि नहीं आया, चलो भाई आया, अच्छी बात है। अब देखो सिमिलरली, अब इस देखो इसमें मैं कितना क्वेश्चन कराऊँ, अब आप मैं सोचा हूँ क्या कि इसमें प्लेन मिरर में बस मैं इतना ही तक रहने देता हूँ, जो बच्चे बोर्ड के लिए, मैं उसे यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि जो बच्चे बोर्ड के लिए हैं, जो बच्चे बोर्ड में क्वेश्चन अगर यहाँ तक मतलब प्लेन मिरर तक, जो बच्चे आप चाहते हैं कि प्लेन मिरर तक का क्वेश्चन अगर बोर्ड में कहीं से पूछ सकता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर, तो जो 5-6 प्रॉपर्टी जो मैं लिखवाया था वो A to Z आपको याद कर लेना चाहिए, और अगर न्यूमेरिकल पूछ सकता है तो इसी में से कहीं से पूछ सकता है, बाकी इससे अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द स्फेरिकल मिरर, जिसमें मैं कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये सब के बारे में पढ़ाऊंगा। सो फॉर टुडे एंड फॉर दिस लेक्चर टाटा एंड बाय बाय।